हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के सभी बड़ी मंडियों में प्याज के भाव दोस्तों 25 सितंबर 2020 को क्या देखने को रही है। मतलब दोस्तों बात करें तो यहाँ पर तूफानी तेजी ही देखने को मिली है प्याज में दो चार दिन से। दोस्तों अगर इस हफ्ते की बात किया जाए दोस्तों तो इस हफ्ते में महाराष्ट्र मंडी में दोस्तों तेजी ही तेजी देखने को मिली है प्याज में। तो जानेंगे दोस्तों कि कौन सी मंडी में कितनी रेट रही हैं, कितनी आवके रही हैं, क्या न्यूनतम भाव रहे हैं, क्या अधिकतम भाव रहे हैं, पूरी तरह इस वीडियो में हम बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे और किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचे और जानकारी का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे और जानेंगे कि आज के मंडियों में क्या भाव रहे हैं प्याज के, पूरी तरफ इस वीडियो में मंडी बाई मंडी जानने वाला है। तो दोस्तों बात करें सतारा मंडी में, जो कि दोस्तों 1500 रुपये से लेकर यहाँ पे 3500 रुपये भाव देखने को मिले प्याज का। आवक दोस्तों 151 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे कोल्हापुर मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 4000 रुपये भाव देखने को मिले प्याज में। आवक दोस्तों यहाँ पे 4442 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे औरंगाबाद मंडी में, जो कि 400 रुपये से लेकर दोस्तों 3200 रुपये भाव देखने को मिला है प्याज में। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे दोस्तों 1113 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में मुंबई ऑनियन पोटैटो मंडी की बात करें दोस्तों, तो 2500 रुपये से लेकर दोस्तों 4000 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक यहाँ पे 4867 क्विंटल देखने को रही है। मोर्शी मंडी की बात करूँ दोस्तों तो 2200 रुपये से लेकर दोस्तों 2400 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे 4 क्विंटल देखने को रही है। मंगलवेड़ा मंडी की बात करूँ तो दोस्तों 700 रुपये से लेकर दोस्तों 3200 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज में। आवक दोस्तों आवक यहाँ पे 10 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में धूले मंडी में, जो कि दोस्तों 200 रुपये से लेकर दोस्तों 4000 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज में। आवक यहाँ 2552 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में डिंडोरी मंडी में, जो कि दोस्तों 2821 रुपये से लेकर दोस्तों 3839 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक दोस्तों 111 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे उस्मानाबाद मंडी में, जो कि दोस्तों 1200 रुपये से लेकर 2800 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक दोस्तों यहाँ पे 4 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे पूरे मंडी में, जो कि दोस्तों 1000 रुपये से लेकर दोस्तों 3700 रुपये भाव देखने को मिले है प्याज में। आवक दोस्तों 2259 क्विंटल देखने को रही है। पूरे पिंपरी मंडी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 1500 रुपये से लेकर दोस्तों 3500 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों यहाँ पे 3 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे सोलापुर मंडी में, जो कि दोस्तों 100 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 4100 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों यहाँ पे 20035 क्विंटल देखने को रही। बात करेंगे पंडरपुर मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 3500 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक दोस्तों 1077 क्विंटल देखने को रही है। कड़ा मंडी की बात करूँ तो दोस्तों 700 रुपये से लेकर दोस्तों 3500 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक दोस्तों यहाँ पे 650 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में एवला मंडी में, जो कि 300 रुपये से लेकर दोस्तों 3975 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों यहाँ पे 6000 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में पूरे मंजरी मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पे 1800 रुपये से लेकर दोस्तों 4000 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों यहाँ पे 33 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे लासनगांव मंडी में, जो कि दोस्तों 1600 रुपये से लेकर यहाँ पे 4151 रुपये भाव देखने को मिली है। सोयाबीन में आवक यहाँ पे 7150 क्विंटल देखने को रही है। नासिक मंडी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 600 रुपये से लेकर दोस्तों 3600 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक दोस्तों यहाँ पे 2719 क्विंटल देखने को रहे हैं। कलवन मंडी की बात करूँ दोस्तों तो 1000 रुपये से लेकर दोस्तों 4115 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 11750 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे बैजापुर मंडी में, जो कि दोस्तों 500 रुपये से लेकर 4200 रुपये भाव देखने को मिले हैं प्याज का। आवक दोस्तों यहाँ पे 5652 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में चंदवाड़ा मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपये से लेकर 4141 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों यहाँ पे 8000 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में देवाला मंडी में, जो कि दोस्तों 1100 रुपये से लेकर दोस्तों 4100 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक दोस्तों 3187 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे मनमार मंडी में, जो कि दोस्तों 500 रुपये से लेकर दोस्तों 3537 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 2200 क्विंटल देखने को रहेंगे, ठीक है दोस्तों। सतना मंडी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 1100 रुपये से लेकर दोस्तों 4410 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक यहाँ पे 14165 क्विंटल देखने को रही है। पिंपल वसवंत मंडी की बात करें दोस्तों तो 1000 रुपये से लेकर दोस्तों 5000 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक दोस्तों यहाँ पर 21386 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में अहमदनगर मंडी में, जो कि दोस्तों 1300 रुपये से लेकर दोस्तों 4200 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक दोस्तों 54374 क्विंटल देखने को रही है। उमरेड मंडी की बात करूँ तो 1000 रुपये से लेकर दोस्तों 4350 रुपये भाव देखने को मिली है प्याज में। आवक दोस्तों यहाँ पर 14000 क्विंटल देखने को
रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज के महाराष्ट्र मंडियों के सभी बड़ी मंडियों के प्याज के भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग कोई भी मंडी के रिलेटेड अगर जानकारी देते हैं इस मतलब चैनल पर कमेंट बॉक्स में तो दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और दोस्तों हमारा सहयोग भी कर सकते हैं हमारे चैनल पे आके, दोस्तों अगर हो सकते हैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ सकते हैं तो दोस्तों इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें सब लोगों का मतलब सब किसान भाइयों का नाम लेके एक बार जितने भी अच्छे कमेंट आएंगे उन लोगों का नाम लिया जाएगा। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।